हेलो गाइस, वेलकम टू थर्टीस 360। तो आज बात करते हैं दृश्यम 2 के बारे में। दृश्यम 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है। ऑब्वियसली ये एक रीमेक है, तो इसका कंपैरिजन ओरिजिनल के साथ जरूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दो और 3 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था ये तो कोई नहीं भूला होगा। विजय सलगांवकर की फैमिली ने क्या क्या किया था ये सब लोगों ने देखा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था। एक क्रिमिनल एक मर्डर करके भाग रहा होता है, उसी दौरान वो इकलौता आई विटनेस बनता है जिसने विजय को क्राइम सीन पे देखा। फिर क्या होगा, क्या वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा? क्या फाइनली विजय एंड उसकी फैमिली को सजा होगी? पुलिस को तलाश थी तो समीर की बॉडी की, जो 7 साल बाद भी नहीं मिल रही थी। फिर 7 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से विजय एंड उसकी फैमिली के ऊपर आफत आती है? यही हमको मूवी में देखने को मिलता है। ज्यादा डिटेल्स में मैं बात नहीं करूंगा, वरना भारी भरकम स्पॉयलर्स हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि दृश्यम 2 के एंडिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, जैसा मैंने पहले ही बताया है, ये एक रीमेक है और इसका कंपैरिजन ओरिजिनल के साथ जरूर होगा, खासकर इस टाइम में जब से नो टू रीमेक वाला ट्रेंड चल रहा है। दृश्यम फर्स्ट पार्ट जब आई थी तब किसी को इन सब से मतलब नहीं था, सभी ने दृश्यम को अप्रिशिएट किया एंड इट बिकेम ए ब्लॉकबस्टर। लेकिन इस बार क्या होगा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको सुनने के बाद शायद मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है, लेकिन सच में दृश्यम 2 हिंदी वर्जन इज बेटर देन द ओरिजिनल। आई नो ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद मैंने कभी नहीं बोला होगा। रीमेक को जस्टिफाई करना एक अलग बात होती है, जिसे विक्रम बेदा ने किया था, लेकिन रीमेक से भी अच्छा बनाना ये बहुत ही रेयर सीन है, वो भी बॉलीवुड में। लेकिन दृश्यम एक अलग मूवी है, ये नॉर्मल रीमेक मूवी नहीं है। ऑब्वियसली मेन क्रेडिट मलयालम इंडस्ट्री को ही जाता है ऐसा मास्टरपीस कंटेंट बनाने के लिए। जब दृश्यम 2 ओरिजिनल वर्जन 2021 में रिलीज हुई थी उस वक्त हिंदी वर्जन नहीं आया था, तो सबटाइटल के साथ ही मैंने मूवी को देखा था। इतना क्रेज था मूवी का, अब फिर से उसी कहानी को 1 साल बाद हिंदी में रिलीज करना कितना जस्टिफाई करती है? बहुत। ये मूवी डेफिनेटली हिंदी वर्जन डिजर्व करती है। मैंने जब बोला ये मूवी ओरिजिनल से भी अच्छा है, तो मैंने बस हवा में नहीं बोला, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बात को प्रूफ करती है। पॉइंट नंबर 1, ओरिजिनल मूवी का मेन कैरेक्टर जॉर्ज कुट्टी है, जिसको प्ले किया था मोहनलाल जी ने। अगर उसको कोई मैच कर सकता था देन वन एंड ओनली अजय देवगन। जब ऐसे सीरियस रोल की बात होती है देन अजय देवगन एक अलग ही लेवल पे होते हैं। विजय सलगांवकर का दृश्यम को अपनी कहानी बना लेते हैं, ये कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी रीमेक मूवी को देख रहे हो। नंबर 2, अब जो मैंने पहले पॉइंट में बताया है वही सेम बात मैं बाकी कैरेक्टर्स के लिए नहीं बोल सकता। ओरिजिनल मूवी के जो बाकी कैरेक्टर्स है इतने इम्पैक्टफुल फील नहीं होते एज कम्पेयर टू द रीमेक। फॉर एग्जाम्पल गाइटोंडे, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ओरिजिनल वर्जन में इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन रीमेक वर्जन में इसको देख के ही आपको मारने का मन करता है। सस्पेंड होने के बाद कैसे वो एक मौके की तलाश में होता है विजय से बदला लेने के लिए, वो देख के ही फील होता है। मीरा का कैरेक्टर जिसको तबू ने प्ले किया है, ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में, और वो पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल होती है विजय के खिलाफ, लेकिन सेम हमें ओरिजिनल में देखने को नहीं मिलता है। पार्ट 2 में गीता का कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है एज कम्पेयर टू द पार्ट 1। पॉइंट नंबर 3, भाई जिसने भी सोचा कि अक्षय खन्ना को कास्ट करना चाहिए इस रोल के लिए, उसके लिए भाई हैट्स ऑफ, क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस है ओरिजिनल और रीमेक वर्जन में। क्या ही परफॉर्मेंस दिया है अक्षय खन्ना ने। एक सीन होता है जब वो विजय के घर जाता है, लेकिन विजय घर में नहीं होता है, वो विजय के फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है। उस टाइम ऐसा फील होता है कि ये कितना डेंजरस बंदा है और ये पक्का विजय को सजा दिला के ही मानेगा, लेकिन सेम हमें ओरिजिनल में देखने को नहीं मिलता। आईजी थॉमस के कैरेक्टर को अगर आप रीमेक के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आप अक्षय खन्ना के तरुण अहलावत को ज्यादा पॉइंट्स दोगे। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आपको ऐसा ना लगे। पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट मूवी का स्क्रीन प्ले। मूवी रीमेक होने के बाद भी ओरिजिनल मूवी से काफी स्पेस में चलती है। मूवी का स्क्रीन प्ले कभी भी बोर होने का मौका नहीं देता है, ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसका कुछ मतलब ना बने। इन सिंपल वर्ड आप रीमेक वर्जन को एक पॉलिश वर्जन बोल सकते हो। ओरिजिनल मूवी में से कुछ ऐसे सीन्स को रिमूव किया गया है कि अगर वो ना भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एंड उस वजह से रीमेक वर्जन बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस बन जाता है। स्क्रीन प्ले के मामले में बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट में मैं यही कहूंगा कि ओरिजिनल मूवी का जो हिंदी डब वर्जन है वो काफी बेकार है, कई कई सीन्स में वो इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं होता है जो उस सीन में जरूरी है। तो हिंदी डब वर्जन देखने से अच्छा आप हिंदी रीमेक वर्जन देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी ओरिजिनल मूवी को आप एक बार जरूर देखना विद सबटाइटल अगर आपको मलयालम नहीं आती है तो, बिकॉज ओरिजिनल इज ओरिजिनल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने अपने हिसाब से बताया कि मुझे मूवी देख के कैसा फील हुआ, आप भी बता सकते हो अगर आपने मूवी देख ली है तो, और आपको कौन सा वर्जन सबसे बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।